नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएम11 11 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो वर्ल्ड कप में मैच खेला जाएगा, उस वर्ल्ड कप के मैच के ड्रीम 11 टीम की, और साथ साथ बात करेंगे दोनों ही टीमों के पिछले प्लेइंग 11, पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 था और पिछले मैच में जो जिन प्लेयरों ने अच्छा परफॉर्म किया था उस प्लेयरों के परफॉर्म की। दोनों ही टीम अपना पिछला मैच जीत के आई है, तो शायद पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 था उसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहेगी। अपने प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना नहीं चाहेगी शायद विनिंग कॉम्बिनेशन में। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम 11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता ही है। तो नीचे जो रेड कलर का बटन दे रखा है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिर बात करते हैं दोनों टीमों के पिछले प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की। तो इनका जो पिछला प्लेइंग 11 था आप देख सकते हैं, मार्टिन गप्टिल थे, क्वालिन मुनरो, केन विलियमसन, रॉयस टेलर, टॉम लाथम, जेम्स नीसम, क्वालिन डी ग्रांड होम, मिशेल सेटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्गूसन और ट्रेंट बोल्ट। तो ये न्यूजीलैंड का पिछला प्लेइंग 11 था और पिछले मैच में जिन बैट्समैन ने स्कोर एंड रन बनाए थे, केन विलियमसन ने 79 यानी 79 रन बनाए थे, रॉयस टेलर ने 48 यानी 48 बनाए थे। इसके अलावा जिन बॉलर ने विकेट लिए थे आप देख सकते हैं, जेम्स नीसम ने 5 विकेट लिए थे, बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे, बहुत अच्छे न्यूजीलैंड की टीम बॉलिंग किए थे पिछले मैच में, और लॉकी फर्गूसन ने 4 विकेट लिए थे। तो दोनों ही बॉलर ने बहुत अच्छे बॉलिंग किए थे आप देख सकते हैं, 4 और 5 विकेट लिए दोनों ही बॉलर ने। इसके अलावा क्वालिन डी ग्रांडहोम को 1 विकेट मिला था। तो देख सकते हैं अगर आप इनको अपनी टीम में रखना चाह रहे हैं इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, पिछले मैच के परफॉर्मेंस के हिसाब से, इनके फॉर्म के हिसाब से, तो आप अपनी टीम में इनको रख सकते हैं, और या फिर किसी और प्लेयर के साथ जाना था तो जा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इंडियन टीम की। तो इंडियन टीम का पिछला प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, लोकेश राहुल, एमएस धोनी, केदार यादव, हार्दिक पांड्या, अजेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह। तो ये था इंडियन टीम का पिछला प्लेइंग 11, और पिछले मैच में जिन प्लेयरों ने स्कोर किए थे, रन बनाए थे, आप देख सकते हैं शिखर धवन ने 117 यानी 117 रन बनाए थे, विराट कोहली ने 82 यानी 82 बनाए थे, रोहित शर्मा ने 57 यानी 57 बनाए थे, हार्दिक पांड्या ने 48 यानी 48 बनाए थे। और जिन बॉलरों ने विकेट लिए थे आप देखिए, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए थे दोनों ही बॉलरों ने, और अजेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए थे। तो ये था बॉलर का परफॉर्मेंस और बैट्समैन का परफॉर्मेंस पिछले मैच में इंडियन टीम का। तो अगर इन प्लेयरों को अपनी टीम में रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो, तो देख लीजिएगा आपको इनको रखना है तो रख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हम ड्रीम 11 टीम की। तो ड्रीम 11 टीम में हम हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले हम विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर में आपको बता दूं, आपका ऐसे आपका जो ऑप्शन है, आपका ऐसे तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन है आप देख सकते हो, एमएस धोनी, टॉम लाथम, दिनेश कार्तिक और वरेंडल का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्तिक और वरेंडल का कोई चांसेस नहीं खेलने का आपको बता दूँ, क्योंकि इनको अभी तक खिलाया नहीं गया वर्ल्ड कप में। और इसके अलावा आपको बता दूँ, एमएस धोनी, टॉम लाथम, इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो, या फिर आप दोनों के साथ जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो। और अगर टॉस होने के बाद दिनेश कार्तिक का विलंडल में से कोई खेलता है तो आप इनको भी ले सकते हो, टॉस होने के बाद अभी मत लीजिएगा क्योंकि इनके खेलने के चांसेस बहुत ही कम है। और अगर आप दो विकेट कीपर के साथ जाना चाहते हैं, एमएस धोनी और लाथम के साथ, तो दोनों के साथ जा सकते हो, या फिर आप टॉम लाथम के साथ भी जा सकते हो या एमएस धोनी के साथ, जिसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है एमएस धोनी को। इसके अलावा इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन की। तो मैंने विराट कोहली को लिया, केन विलियमसन को, मार्टिन गप्टिल को लिया और लोकेश राहुल को लिया है। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है, आप रोहित शर्मा को ले सकते हो, रॉस टेलर, शिखर धवन, क्वालिन मुनरो, तो कुछ ऑप्शन आपके रस्ते 3-4, इनमें से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो। मैंने दोनों, आप देख सकते हो, दोनों इंडियन ओपनर को मैंने ड्रॉप किया इस मैच में। मुझे लगता है कि शायद दोनों इंडियन ओपनर में से कोई नहीं चलेगा इस मैच में, इसलिए मैंने ड्रॉप किया। आपको लगता होगा कि अगर कोई चलेगा इस मैच में तो आप उनको ले सकते हो, दोनों इंडियन ओपनर में से किसी एक को या फिर दोनों को। तो देख लीजिएगा आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। जो चार बैट्समैन मैंने सेलेक्ट किया, अगर आप इनसे सेटिस्फाई तो इनके साथ जा सकते हो, नहीं तो जो बाकी का ऑप्शन है आप उनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। जो चार बैट्समैन मैंने लिए वो विराट कोहली है, केन विलियमसन है, मार्टिन गप्टिल है और लोकेश राहुल है। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर के। तो मैंने हार्दिक पांड्या को लिया, जेम्स नीसम को लिया, क्वालिन डी ग्रांडहोम को लिया। इसके अलावा आप देख सकते हो मिशेल सेटनर को, केदार यादव को, दो ऑप्शन आपके वास्ते हैं। रविंद्र जडेजा को अभी तक खिलाया नहीं गया, तो इनको ना ले तो ये अच्छा होगा, टॉस होने के बाद अगर खेलते तो ले सकते हो। और अगर जो तीन ऑलराउंडर मैंने लिए इनसे सेटिस्फाई तो इन तीनों के साथ जा सकते हो, नहीं तो बाकी जो आपके पास दो ऑप्शन है उन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। जो तीन ऑलराउंडर मैंने लिए वो हार्दिक पांड्या, जेम्स नीसम, क्वालिन डी ग्रांडहोम है। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में मैंने जसप्रीत बुमराह को लिया, भुवनेश्वर कुमार को लिया और मैट हेनरी को लिया।
इसके अलावा आप लग सकते हो ट्रेंट बोल को, अजविंदर चहल को, कुलदीप यादव को, लॉकी फर्ग्यूसन को। तो तीन चार ऑप्शन आपके पास बचता है, इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। तो देख लीजिएगा आप किन के साथ जाना है। जो तीन मैंने सेलेक्ट किया, अगर इससे सेटिस्फाई तो इन्हीं के साथ जाइएगा। अगर आपको लगता है इनमें से कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो इनको ड्रॉप करके जो बाकी के ऑप्शन उनमें से ट्राई कर लीजिएगा। जो तीन बॉलर मैंने लिया, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार है और मैट हेनरी है। इसके अलावा बात करेंगे हम टीम पी और कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेश राहुल को कैप्टन बनाया, मार्टिन कैप्टन को मैंने वाइस कैप्टन बनाया। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है एमएस धोनी को बना सकते हो, विराट कोहली, केन विलियमसन भी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है, इनको भी आप बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। हार्दिक पांड्या, जेम्स नीशम, पिछले मैच में 5 विकेट लेते जेम्स नीशम, तो इनको भी बना सकते हो। और अगर बॉलर में किसी एक बॉलर को ड्रॉप करके आप लॉकी फर्गुसन को लेते हो तो उनको भी बना सकते हो, वो भी पिछले मैच में 4 विकेट लिया था। तो देख लीजिएगा आपको किन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, जो आप मैंने सजेस्ट किया उनको बनाना है, या फिर जो बाकी के ऑप्शन है उसमें से किसी को बनाना है। जो दो मैंने सजेस्ट किया, लोकेश राहुल, मार्टिन कैप्टिल है। और इसके अलावा अगर इस टीम एक बार आप देख लीजिए, अगर इस टीम से सेटिस्फाई तभी इस टीम के साथ जाइएगा, नहीं तो आपको लगता है कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको ड्रॉप करके जो प्लेयर आपको लगता है परफॉर्म करेगा उनको ले सकते हो। और इसके अलावा आपको बता दूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नया आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है फ्रेंड, आप लोगों को पता है। तो प्लीज़ यार नीचे जो रेड कलर का बटन दे रखा है उसको जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए ड्रीम इलेवन टीम बनाने में, थोड़ी बहुत हमारी भी हेल्प हो जाए। एंड आई होप आप लोग इस टीम के बाद अच्छा विन करोगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। एंड इतने रिक्वेस्ट के बाद आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब ही कर दिया होगा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।